97% लोग मनुवादी व्यवस्था के कारण अपने ही देश में पशुवत जीवन जीने के लिए हजारों वर्ष विवश रहे हैं, मजबूर रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र की मनुवादी निशानी को स्थापित करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, बल्कि एक काला इतिहास है। यदि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में किसी देश की आर्थिक संपदा होगी तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो निजीकरण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। जातीय जनगणना कराने के बाद जिस जाति की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। वो 70% लोगों की ये मांग है कि ईवीएम मशीन से, वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें बेईमानी होती है। इसका जो हमारा सबसे प्रमुख विषय है वो है कि नई संसद जो बनाई गई है, और उस संसद के उद्घाटन वाले दिन जो उसमें संगोल राजदंड को स्थापित किया गया है, ये संगोल आज से 500 वर्ष पूर्व जब राजतंत्र होता था तो ये राजा की निशानी थी। तमिलनाडु में एक छोटा सा एरिया है चोल, वहाँ चोल का जो राजा होता था उसके यहाँ ये परंपरा थी। और दूसरा इसका जो अर्थ है, इसका मतलब है, वो है मनुवादी व्यवस्था के निर्देशों के अनुसार राजा को राज्य स्थापित करना और राज्य का संचालन करना। तो मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित कौन कौन लोग थे, दो तीन लोगों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 97% लोग मनुवादी व्यवस्था के कारण अपने ही देश में पशुवत जीवन जीने के लिए हजारों वर्ष विवश रहे हैं, मजबूर रहे हैं। उसी व्यवस्था को आज लोकतंत्र में, जबकि लोकतंत्र है 75 वर्ष से ज़्यादा हमको आज़ाद हुए हैं, तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में, जो लोकतंत्र का मंदिर है, संविधान का मंदिर है, जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था है, उनके अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनके मानव अधिकार हैं, उनके प्रशासनिक अधिकार हैं, उनके जनप्रतिनिधियों के अधिकार हैं, ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र की मनुवादी निशानी को स्थापित करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, बल्कि एक काला इतिहास है। इसका मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे जिस धर्म जाति का व्यक्ति है, चाहे वो ब्राह्मणीय क्यों ना है, चाहे वो क्षत्रिय और वैश्य क्यों ना है, यदि वो लोकतंत्र से प्यार करता है, आज़ादी से प्यार करता है, तो उसे राजतंत्र की निशानी का विरोध करना चाहिए, उसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हमने काफ़ी समय तक ऐसा देखा कि शायद ये राजनीतिक व्यवस्था है, तो हमारे राजनेता जरूर इसके खिलाफ बोलेंगे और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे राजनेता, मुझे लगा कि वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद की हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें ये तय हुआ कि हो सकता है हमारे राजनेताओं की कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी हो सकती है? इनकम टैक्स हो सकता है, CBI हो सकती है, ED हो सकती है, अनेक, आप देख ही रहे हैं आज भारत का माहौल के आपातकाल अघोषित रूप से इमरजेंसी भारत में लगी हुई है, तो हो सकता है उनकी मजबूरी हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, साहू फूले को मानने वाले लोग, संत रविदास, संत कबीर को मानने वाले लोग, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, गुरु गोविंद नानक को मानने वाले लोग, और माननीय काशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, समाज की कोई मजबूरी नहीं है, तो समाज को जरूर इसका विरोध करना चाहिए। तो हम प्रमुख रूप से, वैसे तो हमारी 9-10 मांगे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमारी जो मांग है वो है कि संगोल को लोकतंत्र के मंदिर से हटाया जाए और उसको कहीं जहां आपकी आस्था श्रद्धा हो, अभी आप राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में,
तो उसको राम मंदिर में स्थापित कर दीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में मनुवादी व्यवस्था का प्रतीक, राजतंत्र का प्रतीक नहीं होना चाहिए, इसका हमारा बहुत बड़ा विरोध है। और समान नागरिक संहिता UCC, इसकी आड़ में जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है, इसको खत्म करने की सरकार की साजिश है, इसलिए इसका ड्राफ्ट वो ओपन नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि इसको भी बंद किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, शिक्षा का हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, ये हमारी मांग है। और OBC SC ST का आरक्षण कोटा पूरा किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे इससे निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, चूंकि संविधान ये दिशा देता है, निर्देश देता है कि किसी भी देश की आर्थिक जो संपदा है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यदि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में किसी देश की आर्थिक संपदा होगी तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, उस देश के लोग कमजोर हो जाएंगे। तो निजीकरण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमारा आगे की मांगे, संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना कराने के बाद जिस जाति की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। तो ये हमारी इसमें मांगे जनगणना कराने की। और देखिए, किसी लोकतंत्र पे अगर किसी एक व्यक्ति को आशंका है कि यहाँ गड़बड़ होती है, यहाँ कोई हमारे साथ धोखा होता है, तो फिर वो चाहे वो एक व्यक्ति की आशंका क्यों ना हो, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस एक व्यक्ति की आशंका का भी समाधान करे और निष्पक्ष चुनाव के लिए जैसा लोग चाहते हैं। अभी हमारे भारत में हम NDO को छोड़ दें, खास करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, तो सभी राजनीतिक दलों की ये मांग है, 70% से ज़्यादा लोग जिन्होंने वोट दिया है BJP को छोड़कर दूसरे दलों को, वो 70% लोगों की ये मांग है कि EVM मशीन से, वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें बेईमानी होती है। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका ये व्यक्त की थी, ये आशंका उन्होंने भी व्यक्त की कि गड़बड़ी होने की संभावना है, गड़बड़ी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन देशों ने, जैसे इंग्लैंड ने ये EVM बनाई, जिन देशों ने, फॉरवर्ड देशों ने, विकसित देशों ने इसका आविष्कार किया, उन्होंने आज अपने देश में EVM को बंद कर दिया है। वहाँ मत पत्र से चुनाव होते हैं, तो भारत में भी ये मत पत्र से चुनाव होने चाहिए, EVM मशीन से चुनाव नहीं होने चाहिए, ये भी हमारी प्रमुख मांगों में शामिल है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।